नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज का हमारा विषय है द फिश शाइन ऑन अपोलो माउंट, यानी सूर्य पर्वत पर मत्स्य चिन्ह का होना, मछली के निशान का होना। आइए करते हैं विश्लेषण। अक्सर इस चिन्ह के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, पहले उनको ही दूर करने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये फिश साइन ना हमारे हाथ में कई तरह से बनता है, लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि कई लोग इसको ही किसी तरह से घुमा घुमा के फिश बना देते हैं, फिश साइन, जबकि वास्तव में ये एक आइलैंड होता है। कैसे बने? चाहे ऐसे बने, हमको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि फिश साइन कैसे बनता है। सबसे अच्छी बात तो यह है ये इंडिपेंडेंट बने, लेकिन कई बार दूसरी रेखाओं के सहयोग से भी बन जाता है। कैसे बनता है? देखिए, एक तो ये वाला होता है, ऊपर की तरफ फेस, नीचे की तरफ टेल, हेड टेल, उल्टा भी कर सकते हैं। कई बार इसको वैसे ही बनाते हैं कि यहां से ऐसे और यहां से ऐसे, ऊपर हेड और नीचे की तरफ टेल। कई बार यह ट्रायंगल रूप में भी होता है, काइट जैसा। यह हमारा बना ट्रायंगल, दूसरा इसकी रेखाएं एक दूसरे को काटते हैं काइट की तरह से। अब यह बन गया ट्रायंगुलर काइट साइन। इस रेखा को हटा दीजिए, ये नहीं होती। इसके बजाय यहां पर विंग हो सकते हैं जो इस साइन को और पावरफुल बनाते हैं। कई बार ये फिश साइन ना क्रोकोडाइल साइन भी होता है, जो कि और ज्यादा असरदायक होता है। वो कैसे? यही साइन कोई सा भी रूप बड़ा ले ले, बड़े रूप में आए, ज्यादा एरिया कवर करे, तो यह मगर का चिन्ह हो गया, क्रोकोडाइल साइन। इससे ज्यादा अच्छा माना जाता है। और यहां पर कृत्व निर्धारण करना, इंडिपेंडेंट हो तो सबसे अच्छा, अगर किसी रेखा के सहारे बना है तो भी अच्छा, लेकिन यह भिन्न भिन्न जगह पर भिन्न भिन्न अच्छे फल देता है। मान लीजिए ये हमारा अपोलो फिंगर, इसके नीचे हमारा ये सन माउंट, यहां पर अगर फिश साइन बनता है, मोस्टली ऐसे ही बनता है, इस तरह से यहां पर हमको बहुत फेम दिलाता है। धन तो आएगा ही आएगा, साथ में खूब यश मिलेगा, प्रसिद्धि मिलेगी। अगर ये यहां ना बनकर यहां बन जाए, और भी अच्छा। ऊपर की तरफ है, यश कीर्ति तो खूब मिलेगी, साथ में संपन्नता भी खूब मिलेगी।
अगर कहीं पर भी साइड की तरफ हो, लाइक दिस, यहां पर हो, यहां पर हो, यहां पर हो, साइड की तरफ है, तो उत्तर तो शुभ नहीं होता जितना बीच वाला होता है, लेकिन बहुत शुभ होता है। और अगर किसी साइड की तरफ हो तो ये हमको प्रभाव देता है, एक्टिव होता है 50 के बाद। यदि बीच में बने, इन सब को हटाइए, अगर ये बीच में बनता है इस तरह से, अगर उंगलियों की तरफ देख रहा है तो 50 के बाद, और अगर पूंछ नीचे की तरफ है तो 50 के बाद, अगर उल्टा कर दो टेल ऊपर की तरफ उंगलियों की तरफ और हेड हथेली की तरफ, तो अब 50 से पहले हमें खूब संपन्न बनाएगा, खूब प्रसिद्ध करेगा, खूब यश देगा, और खासकर कला और व्यापार के क्षेत्र में पैसा भी और प्रसिद्धि भी, प्रॉस्पेरिटी एंड फेम। बीच में है तो 50 से पहले या 50 के बाद, अगर साइड वाले हैं वो तो पूरी जिंदगी एक्टिव रहते हैं, चाहे उनका शुभ परिणाम थोड़ा कम हो लेकिन पूरी जिंदगी एक्टिव रहते हैं। लेकिन इस साइन की खास बात है, यह मछली साइन ना संघर्ष बहुत करवाता है, मेहनत बहुत करवाता है, तभी कहीं जाकर एक्टिव हो पाता है। अक्सर युवावस्था के बाद या युवावस्था में, 25 से पहले तो मतलब ही नहीं, बहुत संघर्ष कराएगा, बचपन बड़ा कष्टों में बीतेगा, बड़ा संघर्षों में बीतेगा, और थोड़ी जवानी भी बहुत संघर्ष, बहुत मेहनत, और मेहनत भी कौन सी जो पसीना टपकवा दे, ऐसी मेहनत, घनघोर मेहनत, कठिन शारीरिक श्रम और साथ में संघर्ष, ये बहुत करवाएगा। और जैसे ही आपने 25 के आसपास अपने शरीर से पसीना बहाना शुरू किया, और पसीना कब बहेगा, जब आपके शरीर की ऊर्जा की गर्मी बढ़ेगी, वार्म्थ, तो उसका और इस अपोलो माउंट का एक कोऑर्डिनेशन बन जाएगा, एक कनेक्शन बन जाएगा, कंडीशनिंग हो गई। अब हमारी जो मत्स्य रेखा है ना, उसने लाभ देना शुरू कर दिया। ध्यान रखना कि हेड किस तरफ है और टेल किस तरफ है, उंगलियों की तरफ हेड है अलग अवधि, और हथेली की तरफ हेड है तो अलग अवधि। अगर साइड में बना हुआ है तो पूरी जिंदगी देगा लेकिन संघर्ष बहुत करवाएगा। अगर वेल डेवलप्ड सन माउंट है, उसके बीचों बीच एक इंडिपेंडेंट जो बहुत रेयर होता है वो फिश साइन बन जाए, तो आदमी करोड़ों अरबों में खेलता है। लेकिन यहाँ पर एक और खास बात बहुत ही महत्वपूर्ण, कि जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स होते हैं ना,
बड़े बड़े, कोई अंबानी हुआ, कोई बिल गेट्स हुआ, कोई टाटा हुआ, उनके हाथ में भी फिश लाइन हो सकती है, लेकिन उसका प्रकार अलग होगा, बिल्कुल अलग तरह की होगी। मैं इनको अरबपति से ही बड़ा मानता हूँ, बिल्कुल राजा की तरह। क्या चिन्ह उभरेगा? देखिए, इन सबको हटाइए, एक फिश ही बनेगी, लेकिन आदि तो ये हमारी अपोलो फिंगर है ना, रिंग फिंगर, इसका बेस फेलेंज, आधी तो वो वहां होगी और आधी नीचे सन माउंट पे होगी, कुछ इस तरह। अब आदमी जबरदस्त तरक्की करेगा, राजाओं का राजा, धनियों में धनी, बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून, बहुत रेयर है, लेकिन कम से कम इंडिया में तो आपको ना टॉप 100 रेयर्सों में शामिल कर ही देगा। बस मेहनत बहुत करवाएगा, मेहनत से पीछे मत हटना, और जरा इस मछली के साइन के हेड और टेल का भी ध्यान रखना कि 50 से पहले एक्टिव होगा या 50 के बाद एक्टिव होगा, और एक्टिव हुआ तो आपके पास प्रसिद्धि, नेम फेम और प्रॉस्पेरिटी का अंबार लग जाएगा, आपके सारे ग्रह अपने आप अच्छे हो जाएंगे, चाहे वो आपका शुक्र है, चाहे आपका वो लूनर है, चाहे मरकरी है, चाहे हमारा जुपिटर है या सैटर्न है, राहु केतु, सब अपने आप अच्छे हो जाएंगे। बस किस तरह से, यह है मत्स्य का चिन्ह, जिसको हमारी हस्तरेखा में सबसे अच्छे चिन्ह के रूप में माना जाता है। अगर एक्टिव हो गया तो आप फर्श से अर्श तक पहुंच जाएंगे इन नो टाइम। आशा करता हूं आपको ये योग समझ आया होगा, आगे भी मैं इस पर और बात करूंगा। बस आप पसीना बहाते रहो, हाथ के हाथ में ये निशान है सूर्य पर्वत पर, और सूर्य पर्वत उच्च है, वहाँ कोई दूसरा शुभ निशान नहीं है, तो आप अपार तरक्की करोगे, अपार सफलता, अपार धन, अपार प्रॉस्पेरिटी, आप राजाओं के राजा बन जाएंगे, धनियों के धनी बन जाएंगे, अमेजिंग, आपकी तो तुलना भी किसी से नहीं की जाएगी, लोगों के पास अलंकारों की कमी हो जाएगी आपका बखान करने के लिए, इतनी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, यशमान बढ़ेगा, प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, लग्जरियस लाइफ, सुपर लग्जरियस लाइफ। आशा करता हूँ आपको योग समझ आया होगा फिश साइन के बारे में, आपने समय निकाला, अपना कीमती समय वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आभार, और एक छोटी सी अपील की वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर भी कर देना, साथ में बेल आइकॉन का बटन है उसको भी दबा देना, और अंत में एक छोटा सा वादा कि जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ, तब तक बाय बाय, गुड बाय, सी यू सून, नमस्कार, थैंक यू, शुक्रिया।